फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ एक ऐसी चीज शेयर करने जा रहे हैं जो कि हमेशा ही हम लोग मार्केट से लाकर ही उसका यूज करते हैं। बस मार्केट से निकल रहे थे तो अंगूर दिखे और दिमाग में आया कि अब की बार किशमिश ट्राई करते हैं कि उसको कैसे बनाया जाए, क्योंकि बचपन में ये सुन रखा था किशमिश इस तरह से बनाई जाती है, तो वो चीज दिमाग में थी। लेकिन सोचा कि पहले एक बार एक्सपेरिमेंट कर लें, उसके बाद में ही आपको बताएंगे कि इसका सही मेथड क्या है। तो उसका हमने एक्सपेरिमेंट किया। कुछ अंगूर हमने धूप में रखे और कुछ छाई में रखे। जैसे कि सुना करते थे कि छाई में ही किशमिश बनाई जाती है, और उसके लिए किस तरह का अंगूर होना चाहिए ये भी सुन रखा था। क्योंकि फ्रेंड्स, आपने कभी कभी ये चीज़ नोट की होगी, जब कभी आपके पास किशमिश आई होगी, ज़्यादातर ब्राउन कलर की ही आई होगी, लेकिन कभी कभी अगर आप ज्यादातर किशमिश लाते, देखा होगा कभी कभी जब किशमिश आती है तो वो हल्के ग्रीन कलर की होती है, और जब वो रखी रहती है यानी कि थोड़ी पुरानी हो जाती है तब वो फिर ब्राउन कलर में चेंज हो जाती है। ऐसे ही मार्केट में भी होता है कि जो पुरानी किशमिश होती रहती है वो ब्राउन कलर में अपना कलर चेंज करती रहती है, और नई किशमिश हमेशा ही हल्के ग्रीन कलर की ही होती है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। इसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है और ये एक दो दिन में बनके तैयार नहीं होती है। एक तो ये चीज़ हमें दिमाग में रखनी है, दूसरे इसको धूप में बिल्कुल नहीं सुखाना है। धूप में ये एक दिन में ही तैयार हो जाएगी, लेकिन ना तो वो टेस्ट में अच्छी होगी और ना ही देखने में अच्छी होगी। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से बनाएंगे। इसके लिए तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें अंगूर इस टाइप के लेना है कि जिसमें बीज ना पड़ा हो, यानी कि जो मार्केट में अंगूर आता है ज्यादातर उसमें बीज नहीं होता है। जो छोनके होते हैं वो भी अंगूर के ही बने होते हैं, लेकिन वो लास्ट के अंगूर के होते हैं, जब अंगूर में बीज पड़ जाता है वो उस वक्त तैयार किए जाते हैं। लेकिन किशमिश हमेशा ही इस तरह के अंगूरों की तैयार की जाती है जिसमें बीज नहीं होता है। तो यहाँ पर इस तरह के अंगूर ले लेंगे, और अब सबसे पहले इस अंगूरों को गुच्छे में से अलग कर लेंगे इस तरह से, और जब ये सारे अंगूर अलग हो जाएंगे तब इसको हम वॉश कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो यहाँ पहले ये काम कर लेते हैं, अंगूरों को अलग करके वॉश कर लेते हैं। अब ये अंगूर अच्छे से वॉश कर लिए हैं। एक काफ़ी मोटा कपड़ा लेंगे, या तो कॉटन का आप मोटा कपड़ा ले सकते हैं और या फिर टॉवेल वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। पर अंगूर इस तरह से अलग अलग करके डाल देंगे। किसी भी रूम में या किसी जगह जहां पर आप समझते हैं कि आपके घर में ये जगह सही है, उस जगह पर आप इसी तरह से हवा में छोड़ दीजिए। चाहे तो आप पंखा ऊपर चला सकते हैं इसके, चाहे तो ऐसे ही छोड़ दें, कोई जरूरत नहीं है। बस ऊपर और जिस पर डायरेक्ट धूप ना पड़े उस जगह पर इसको रखना है। और साथ ही कुछ अंगूर ये धूप में रख देंगे। इसमें क्या चेंजेस आए धूप में रखने के बाद, लेकिन इसको भी धूप में हम एक कपड़े पर ही रखेंगे, ऐसे बाउल में नहीं रखेंगे। और अब 2 दिन बाद देख सकते हैं इन अंगूरों में क्या फर्क पड़ा है। बहुत हल्के हल्के से ये सिकुड़ना स्टार्ट हुए हैं, थोड़े थोड़े से दबने से, पूरी तरह से ये सूखे नहीं हैं और ना ही इनका कलर चेंज हुआ है। अब हम आपको 2-3 दिन बाद फिर से दिखाएंगे इनमें क्या चेंज आया है। तो इस तरह से पूरी तरह से ही हम आपको दिखाते रहेंगे कितने दिन में ये किशमिश बनकर तैयार हुई है। और अब आप आज इसको देख सकते हैं, आज इसका 5वां दिन है इसको रखे हुए, और ये कितने और कहाँ तक ये हुए हैं आप देख सकते हैं। ये आधे आधे सिकुड़ चुके हैं और वो काफ़ी सूखने पर भी आ गई है। देखिए अब हम आपको दिखाएंगे तैयार हो जाएगी, लेकिन तब आप इसको देखेंगे पहले ना होने आ रहा है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, और कितना अच्छा अभी इसका कलर है, लाइट ग्रीन कलर अभी इसका है। जैसे जैसे ये रखी रहेगी वक्त के साथ जैसे जैसे ये रखी रहेगी वक्त के साथ इसका कलर चेंज होता जाएगा। और साथ ही हम आपको दिखा दें जो हमने धूप में किशमिश सुखाई थी ये 2 दिन के अंदर ही बनके तैयार हो गई थी, और वो ये है इसका कलर। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डार्क है, और ये ना तो देखने में अच्छी है ना ही खाने में इसका उतना अच्छा टेस्ट होता है। तो ये वाला जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस से जो ये किशमिश बनाई गई है छाई में और हवादार जगह पर, ये प्रोसेस एकदम सही है।
किशमिश को हमेशा इस तरह से ही बनाएं। आप इसको देख सकते हैं पास से कितना अच्छा इसका कलर है और ये एकदम फ्रेश और कितनी अच्छी लग रही है देखने में। तो आप अंगूरों को ऐसे भी रख सकती हैं बिना उनको अलग किए, यानी कि उसके गोशे या फिर उसके गुच्छे में से अंगूरों को अलग ना करें, ऐसे ही गुच्छों को रख दें आप सूखने के लिए। जब वो ड्राई हो जाएं तो फिर गुच्छे में से आप किशमिश को अलग कर लें। इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आप सिर्फ फ्रेंड्स ये ज़रूर बात है कि इस तरह से किशमिश बनाने में थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लग जाता है और आपको थोड़े पेशेंस से काम लेना होगा, और साथ ही इस बात का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा कि जिस जगह पर आप अंगूर सुखा रही हैं यानी आपने किशमिश बनने के लिए रखी है, वहाँ पर किसी तरह की कोई भी चीज़ चींटा चींटी या कोई भी ऐसी चीज़ ना आने पाए जो अंगूरों को ख़राब कर दे और आपकी सारी किशमिश ख़राब हो जाए। तो कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, लेकिन किशमिश बनाने का एकदम सही प्रोसेस यही है और इसका टेस्ट एकदम किशमिश की ही तरह है जैसा हम मार्केट से लाकर यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा किशमिश बनाने का तरीका पसंद आया हो तो ज़रूर हमें बताएं और ज़रूर इस तरह से ट्राई करें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज का हमारा टिप क्या है। और टिप, अक्सर कपड़ों के कॉलर, चाहे वो कुर्ते हों, टी शर्ट्स हों या शर्ट्स हों, जिनमें भी कॉलर हैं उस पर एक मैल की लाइन सी बन जाती है और वो ठीक तरह से साफ़ नहीं होते हैं। ज़्यादा ब्रश रगड़ने की वजह से कॉलर फटने का भी डर रहता है। उसको साफ़ करने का बेस्ट तरीका है, अगर काफ़ी मैल जम गया है और साफ़ नहीं हो रहा है तो आप कपड़े को गीला कर लें, उसके बाद में उसको आप अमोनिया से रगड़ लें, कॉलर एकदम साफ़ हो जाएंगे। तो ये था आज का टिप। नेक्स्ट वीडियो में नए टिप के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।